बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इंटीग्रल एक्स साइन एक्स डी एक्स। हम इसे लेट ले लेंगे, लेट आई इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल। अब देखें एक्सरसाइज 3.4 जो है इसके क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला से सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर हम जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसे हम यूज़ करेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल फॉर्म लिखने में कॉम्पैक्ट है, आसानी से लिखी जाती है। यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस वी डी यू। ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म वाला फार्मूला है। अब एक्सरसाइज 3.4 में जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो हमें फंक्शन दिए गए होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट फंक्शन यानी कि यू कौन सा है और सेकंड फंक्शन यानी कि डी वी कौन सा है। यू को फर्स्ट फंक्शन कहते हैं और डी वी को सेकंड फंक्शन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड फंक्शन? उसके लिए एक बड़ी फेमस टर्म है जो हम एक वर्ड है उसे यूज़ करेंगे, आई लेट। आई से मुराद यहाँ पे इनवर्स फंक्शन, एल से मुराद लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से मुराद अलजेब्रिक फंक्शन, टी से मुराद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई से यहाँ मुराद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जिस तरतीब में ये लिखे हैं तो उसी वही तरतीब हम चूज़ करेंगे अपने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के लिए। मसलन यहाँ पे हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इस तरतीब में देखें, अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड पे आ रहा है। तो हम फर्स्ट फंक्शन चूज़ करेंगे एक्स को और सेकंड फंक्शन हमारे पास होगा साइन एक्स डी एक्स। तो हम यहाँ पे आप लिखेंगे यू इज इक्वल टू एक्स एंड डी वी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। सिंपल इसका हम डिफरेंशियल लेंगे, डी यू इक्वल आ जाएगा डी एक्स के, और इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। तो हमारे पास यहाँ पे वी साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स होता है, क्योंकि याद रखें कॉस एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं वो आता है माइनस साइन एक्स। तो अगर हम डेरिवेटिव लें माइनस कॉस एक्स का तो वो हमारे पास साइन एक्स के इक्वल आएगा। तो इसीलिए साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव हमारे पास माइनस कॉस एक्स होता है। तो अब ये हम फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा, फार्मूला में जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूला में तो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल एक्स डी वी की जगह साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यू की जगह एक्स, v की जगह माइनस कॉस एक्स, तो माइनस साइन आएगा माइनस कॉस एक्स, और डी यू की जगह हमारे पास डी एक्स आ जाएगा। अब ये हमारा इंटीग्रल i के इक्वल है तो i लिख लेंगे इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे माइनस साइन बार आ जाएगा तो हमारे पास प्लस इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स। अब कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव हमारे पास साइन एक्स होता है, तो लिहाजा हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब जैसा कि ये इंटीग्रल एवेल्यूएट हो चुका है तो हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी भी पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है हमारे पास इंटीग्रल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। हम अपने इंटीग्रल को आई के इक्वल लेट लेंगे, आई इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल। अब यहाँ पे देखें हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन अकेला आ रहा है। जब भी लॉग फंक्शन इंटीग्रल में अकेला आए तो वो सॉल्व हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन आए। तो जब भी हमारे पास लॉग फंक्शन या इनवर्स फंक्शन आएंगे इंटीग्रल के अंदर अकेले, तो उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सॉल्व करेंगे।
टेक्निक ये है अब यहाँ पे कि हम ऐसे लिख लेंगे इसे log ऑफ x इंटू वन डी एक्स। अब देखें हमारे पास होता है आई लेट इनवर्स फंक्शन, हमेशा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा। अब वन से मुराद यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे सेकंड आया इस स्थिति में, तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास इनवर्स फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा हमारे पास। तो हम चूज़ करेंगे यहाँ पे u इज इक्वल टू log ऑफ x, u इज इक्वल टू log ऑफ x और dv इज इक्वल टू वन डी एक्स। अब यहाँ पे हम डिफरेंशियल लेंगे, u का डिफरेंशियल du, यू log ऑफ x का हो जाएगा वन ओवर x और dx। यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व, तो लेफ्ट हैंड साइड पे v हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे x हो जाएगा। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है उस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है u dv इज इक्वल टू u v माइनस इंटीग्रल v du। अब इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल u की जगह log ऑफ x, dv की जगह d ऑफ x, 1 dx इज इक्वल टू u हमारे पास है log ऑफ x, v की वैल्यू हमारे पास आई है यहाँ पे x माइनस, अब v की वैल्यू हमारे पास x और डी यू की वैल्यू आई है हमारे पास वन ओवर एक्स डी एक्स। यहाँ पे एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल डी एक्स, वन का एंटी डेरिवेटिव हमारे पास एक्स आ जाएगा, तो आई इज इक्वल टू जो हमारा गिवन इंटीग्रल है वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्वेश्चन नंबर का थर्ड फोर फिफ्थ और सिक्स पार्ट को देखें, जहाँ पे सेम फंक्शन अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन जो हमारे पास चारों पार्ट्स हैं, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे एक्स की पावर वन है, यहाँ स्केयर आर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ पावर फोर है। इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेम तरीका है, सेम ही हमारे पास तकरीबन पावर की वजह से थोड़ा सा माइनस फर्क आएगा आंसर्स में। तो इन चारों को हम एक इंटीग्रल सॉल्व करेंगे जनरल इंटीग्रल, तो उसी मेथड को फॉलो करते हुए ये चारों क्वेश्चन हो सकते हैं। तो मैं इंटीग्रल लेता हूँ यहाँ पे आई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे एन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, यानी कि कोई भी एन से वन से बड़ी वैल्यू दे दें, वन टू और ये बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो यही बनता है। अब अगर वन पुट करेंगे ये इंटीग्रल बन जाएगा, टू पुट करेंगे ये वाला, थ्री फोर इस तरह, ये जनरल इंटीग्रल है। इसको जिस मेथड से सॉल्व करेंगे सिमिलरली इन चारों पार्ट्स को हम उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब फर्स्ट फंक्शन के लिए वही हम आई लेट यूज़ करेंगे, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा हमारे इंटीग्रल में, क्योंकि इनवर्स लॉगरिथमिक सॉरी, अच्छा यहाँ पे हमारे पास गलती ये हुई है कि इनवर्स फंक्शन नहीं था बल्कि लॉगरिथमिक फंक्शन था, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फंक्शन जी आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन और सेकेंड फंक्शन हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन होगा। तो u हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे log ऑफ x के, तो du हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 ओवर x के, dv हमारे पास यहाँ पे log x raised to power n dx। जब हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व, तो हमारे पास v इज इक्वल टू यहाँ पे पावर रूट यूज होगा एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन।
अब देख लें, अगर हम एक्स रेज टू पावर 4 लेते तो यहाँ एक्स 5 डिवाइडेड बाई 5 आ जाता, एक्स क्यूब लेते तो यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 आ जाता। तो अब हम फार्मूला में पुट करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है डिफरेंशियल फॉर्म का, यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस फी डी यू। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, यू हमारे पास है लॉग ऑफ एक्स और डी वी है एक्स एल डी एक्स, तो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल यू की वैल्यू लॉग ऑफ एक्स और डी वी की वैल्यू हमारे पास एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स विच इज़ इक्वल टू यू एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि लॉग ऑफ एक्स। वी की वैल्यू हमारे पास आई थी एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, माइनस इंटीग्रल आ जाएगा, फिर हम एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, और डी यू की वैल्यू हमारे पास आई है वन ओवर एक्स डी एक्स। अब देखें यहाँ पे पावर एन प्लस वन है, यहाँ पावर वन है, जब ये कैंसल आउट हो जाएंगी तो ऊपर पावर एक्स रेज टू पावर एन रह जाएगी, यानी कि पावर एक्स की एन रह जाएगी। ये हमारा गिवन इंटीग्रल आई है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन लॉग ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, माइनस वन ओवर एन प्लस वन एक नंबर होगा, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स रह जाएगा। तो हमारे पास आई इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन प्लस वन माइनस वन ओवर एन प्लस वन। अब यहाँ पे दोबारा हम पावर रूल यूज़ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अब नोट करें यहाँ पे आई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, तो अनकॉमन फैक्टर हमारे पास लॉग ऑफ एक्स माइनस वन ओवर एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब देखिए अगर हम एन की जगह फोर पुट कर दें, एन की जगह फोर पुट करें तो हमारा इंटीग्रल होगा इस केस में इंटीग्रल एक्स रेज टू पावर फोर लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स फाइव डिवाइडेड बाय फाइव लॉग ऑफ एक्स माइनस वन ओवर फाइव प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अगर हम थ्री पुट करेंगे यहाँ पे एक्स रेज टू पावर फोर डिवाइडेड बाय फोर और वन ओवर फोर आ जाएगा। तो ये जनरल हमने इंटीग्रल सॉल्व कर लिया इस टाइप का, तो ये जो चारों पार्ट्स हैं तो इस जनरल इंटीग्रल के मेथड को फॉलो करते हुए हम उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का सेवन्थ पार्ट है हमारे पास इंटीग्रल टेन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखें जिस तरह लॉगरिथमिक फंक्शन इंटीग्रल में अगर अकेला आ जाए, जो हमने क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट टू किया, तो हम साथ में वन एक्स्ट्रा अलजेब्रिक फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि वन अगर मल्टीप्लाई भी कर लें तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह जब भी इनवर्स फंक्शन अकेला आ जाए तो हम वन को एज ए अलजेब्रिक फंक्शन साथ में कंसिडर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो इंटीग्रल को लेट लेंगे आई के इक्वल। अब इस इंटीग्रल को हम लिख लेंगे टेन इनवर्स ऑफ एक्स वन डी एक्स। अब टेन इनवर्स अगर आई लेट में देखें, आई पहले आ रहा है, तो इनवर्स फंक्शन में हमेशा फर्स्ट फंक्शन होता है यानी कि यू, और सेकंड फंक्शन यहाँ पे होगा अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि डी वी। तो हम यहाँ पे लेट लेंगे, अब यू है हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ एक्स,
तो इसका डिफरेंशियल हमारे पास हो जाएगा डी यू, टेन इनवर्स का हो जाएगा वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और डी वी है हमारे पास यहाँ पे वन डी एक्स। हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे वी और यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला होता है डिफरेंशियल फॉर्म में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस वी डी यू। अब इस फार्मूला में हम अपनी इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यू की वैल्यू हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और डी वी की वैल्यू हमारे पास वन डी एक्स इक्वल टू यू की वैल्यू हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ एक्स। फिर हम v की वैल्यू लिखेंगे, v हमारे पास मल्टीप्लाई बाय x, x है माइनस, फिर v की वैल्यू x आएगी, और डी यू की वैल्यू वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हमारे पास गिवन इंटीग्रल i के इक्वल है, x टेन इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ पे नोट करें कि हम फार्मूला यूज़ करेंगे, फार्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रल, डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास फंक्शन हो, न्यूमरेटर में इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो हमारे पास आ जाता है लॉग ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे देखें, अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव आ जाएगा वन का डेरिवेटिव ज़ीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स। अब यहाँ पे नोट करें, हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव नहीं मौजूद। डेरिवेटिव तब हमारे पास होगा जब एक्स के साथ टू आएगा। तो यहाँ पर अब हम ये करेंगे, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, माइनस वन बाई टू इंटीग्रल डिनोमिनेटर में वन प्लस एक्स स्क्वायर और न्यूमरेटर में टू एक्स डी एक्स। अब डिनोमिनेटर में फंक्शन, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हम ये फार्मूला अब यूज़ कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, आई इज इक्वल टू x tan inverse of x minus 1 by 2 log of 1 plus x square। अच्छा, mod हम इसलिए डालते हैं log जब, कि log जो है वो negative number के लिए defined नहीं होता, यानी कि log of minus 2 लें तो वो undefined होता है। तो log जो होता है वो हमेशा positive number के लिए defined होता है। मॉड हमें ये बता रहा होता है कि हमारे पास जो ये वैल्यू यहाँ पे होगी वो पॉजिटिव होगी। अब यहाँ पे मैंने मॉड नहीं डाला, उसकी रीज़न ये है कि एक्स स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी नंबर का स्केयर लें वो हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस वन हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसलिए मॉड नहीं डाला कि हमें ये पता है कि ये जो नंबर है ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। मॉड डालने की रीज़न ये होती है, अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव आ जाए तो मॉड उसे पॉजिटिव कर देता है। यानी कि याद रखें, अगर हमारे पास हो माइनस टू मॉड के अंदर, तो ये मॉड इसे पॉजिटिव कर देता है, लॉग ऑफ माइनस टू, तो ये इक्वल होगा लॉग ऑफ टू के, क्योंकि ये जो मॉड है ये माइनस टू को पॉजिटिव कर देता है। लेकिन हमें यहाँ पता है कि ये है ही पॉजिटिव, इसलिए मॉड डालने की ज़रूरत नहीं है। प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये हमारा रिजल्ट आ गया गिवन इंटीग्रल का। अब क्वेश्चन नंबर वन का एट पार्ट हम करते हैं। एट पार्ट हमें गिवन है इंटीग्रल एक्स के साइन एक्स डी एक्स, इसको हम आई के इक्वल लेट लेंगे। अब आई लेट को अगर हम देखें तो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, तो अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा,
और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है, तो ये हमारे पास साइन एक्स डी एक्स सेकेंड फंक्शन होगा। तो अब हम यहाँ पे यू हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो डी यू हमारे पास हो जाएगा टू एक्स डी एक्स, डी वी हमारे पास यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स, तो वी हमारे पास हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, क्योंकि माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन एक्स आएगा। तो अब हम हमारे पास फार्मूला होता है यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस वी डी यू। अब इस फार्मूला में हम पुट करेंगे वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर डी वी की वैल्यू हमारे पास साइन एक्स डी एक्स, यू की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर, वी की वैल्यू माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस आएगा, फिर माइनस कॉस एक्स वी की वैल्यू, फिर डी यू की वैल्यू हमारे पास टू एक्स डी एक्स। अब टू और माइनस साइन कॉम्बाइन लिख लेंगे, ये हमारा इंटीग्रल आई के इक्वल है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब देखें यहाँ पे दोबारा हमारे पास अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए हैं, तो हम इन्हें दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। अब इतनी डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, जब दूसरी दफ़ा में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़े। तो u हमारे पास x, तो डी यू हमारे पास आ जाएगा वन, सॉरी डी एक्स के, डी वी हमारे पास कॉस एक्स, तो v हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स के, इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे दोबारा हम फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, तो i इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू। फार्मूले में पहले हमारे पास यू आएगा, यू हमारे पास एक्स है, फिर वी आएगा, वी हमारे पास साइन एक्स है, फिर माइनस साइन, फिर हमारे पास इंटीग्रल आएगा, फिर वी की वैल्यू आएगी साइन एक्स, फिर हमारे पास डी यू की वैल्यू आएगी, डी यू हमारे पास डी एक्स के इक्वल है, ब्रैकेट क्लोज। आई इज इक्वल टू माइनस एक्स के कॉस एक्स प्लस टू ब्रैकेट एक्स साइन एक्स माइनस, साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस कॉस एक्स। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस टू एक्स साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टू कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इस क्वेश्चन को हम एक और टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसी क्वेश्चन को, जिसे कहते हैं टेबुलर इंटीग्रेशन। टेबुलर इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक एफिशिएंट और बड़ा, यानी कि उससे जल्दी क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे डिस्कस करेंगे और उसकी मदद से हम क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट भी सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।